इंट्रोडक्शन टू द लेसन। दिस प्ले इज अबाउट अ प्ले राइट नेम जेराड। यह प्ले जो है यह एक प्ले राइट जिसका नेम है जेराड उसके बारे में है। हाउ ही एस्केप्स बीइंग किल्ड बाय एन इंट्रूडर हु वांट्स टू स्टील हिज आइडेंटिटी एंड लिव पीसफुली। और किस तरह से जेराड जो हैं वो अपने आप को एस्केप करते हैं, बचाते हैं मरने से। कौन इसको मारने के लिए आया हुआ है? एक इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन होता है? जिसे हम घुसपैठिया बोलते हैं, जो हमारे बिना परमिशन के हमारे घर में घुस जाता है। और वो क्या चाहता था? वो जेराड को मारकर किल करके और उसकी आइडेंटिटी चुरा लेता, यानी कि वो खुद जेराड बनकर रहना चाहता था शांति से। जेराड फूल्स द इंट्रूडर। जेराड इंट्रूडर को मूर्ख बनाता है, कन्फाइंस हिम इन अ कबर्ड एंड फाइनली हैंड्स हिम ओवर टू द सर्जेंट। और वो क्या करता है? इसको मूर्ख बनाता है जेराड और इसको एक अलमारी में बंद कर देता है और इसे एक सर्जेंट को जमा करवा देता है, मतलब एक पुलिस को थमा देता है। जेराड वॉज अ प्ले राइट। ही हैड टू लीव हिज हाउस टू डिलीवर प्रॉप्स ऑफ रिहर्सल। जस्ट देन एन इंट्रूडर एंटर्ड हिज होम। ही वॉज कैरिंग अ गन। ही वॉन्टेड टू किल जेराड एंड लिव ऑन हिज आइडेंटिटी। द इंट्रूडर हैड कमिटेड अ मर्डर एंड वॉज वॉन्टेड बाई द पुलिस, सो ही थॉट ऑफ स्टीलिंग जेराड्स आइडेंटिटी सो दैट ही कुड लिव पीसफुली। अब जेराड जो है वो प्ले राइट है और वो अपना घर छोड़ने ही वाला है, क्योंकि उसके पास में प्रॉप्स है, मतलब जो सामान होता है ना रिहर्सल का, वो उसे डिलीवर करने के लिए कहीं ना कहीं जाना था, तो वो जाने के लिए रेडी ही था। और तभी एक इंट्रूडर जो है उसके घर में आता है, उसके पास एक गन भी है इंट्रूडर के पास में, क्योंकि वो चाहता है कि वो जेराड को मारकर और उसकी आइडेंटिटी पर, यानी कि जेराड की आइडेंटिटी पर रहेगा। और इंट्रूडर जो है वो एक मर्डर करके आया है, कर चुका है पहले, और वो चाहता है, मतलब पुलिस भी उसे ढूंढ रही है, तो वो सोचता है कि वो जेराड की आइडेंटिटी स्टील कर लेगा ताकि वो आराम से शांतिपूर्वक जी सके। He wanted to know details about Gerard before killing him so that he could imitate him well. वो चाहता था कि वो जेराड के बारे में सारी डिटेल्स ले लें उसको मारने से पहले, ताकि वो जेराड की इमिटेट करता रहेगा, उसी की नकल करता रहेगा, क्योंकि उसे जेराड बन के रहना था और इसलिए वो सारी डिटेल्स की जानकारी लेनी चाह रहा था। जेराड said that he was a crook too. अब जेराड को जब उसके इरादे पता चल गए तो जेराड ने क्या कहा कि वो भी क्रूक है, यानी कि उसने भी बहुत से अपराध किए हुए हैं। एंड दैट इफ़ द इंट्रूडर स्टोल हिज आइडेंटिटी। और क्या कहा जेराड ने इंट्रूडर को कि अगर वो उसकी आइडेंटिटी चुरा भी लेगा, इवन देन ही वुड बी चेस्ड बाई द पुलिस, तो भी पुलिस उसका पीछा करेगी, क्योंकि मैंने भी ऐसे ऐसे काम किए हुए हैं कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है। ही हैड किल्ड समवन एंड द पुलिस हैड एविडेंस अगेंस्ट हिम। कि उसने भी, जेराड क्या कह रहा है कि उसने खुद ने भी किसी को किल कर दिया था, किसी का मर्डर कर दिया था, किसी को मार दिया था, और जो पुलिस है उसके पास मेरे खिलाफ, यानी कि जेराड कह रहा है कि उसके खुद के खिलाफ एविडेंस हैं, सबूत हैं, और पुलिस मुझे ढूंढ रही है, और अगर तुम मेरी आइडेंटिटी चुरा भी लोगे तो भी तुम जेराड बनकर ही पुलिस के हाथे चढ़ जाओगे, यानी कि तुम्हें तो पुलिस मारेगी ही मारेगी। He further added that he was carrying false mustache and other props so that he could disguise himself and hide from the police. अब वो आगे जेराड भाई साहब तो होशियार हैं, ये बहुत चालाक हैं, इंट्रूडर को भी मूर्ख बना रहे हैं, देखो किस तरह से। तो वो आगे और उसको क्या कहते हैं कि उसके पास देखो नकली मुंछे दाढ़ी है और ऐसा नकली जो रिहर्सल का सामान है इतना सारा, ताकि वो खुद भी इन चीज़ों का यूज़ करके अपने आप को रूप बदल कर इधर उधर भाग सके, अपने आप को छुपा सके पुलिस से। इसीलिए देख लो कि मैं तो खुद ही ऐसा हूँ, अगर मेरी आइडेंटिटी आप चुराओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा, है ना। ही सेंस्ड दैट द पुलिस कुड रेड हिज हाउस दैट नाइट। और उसको ऐसा लग रहा है, मतलब वो इंट्रूडर को ये शो कर रहा है कि उसे ऐसा लग रहा है कि आज रात उसके घर पर पुलिस रेड करने वाली है, छापा मारने वाली है। और ये देखो मेरा तो बैग तैयार है और मैं भी अभी के भी निकलने वाला ही। He had positioned an accomplice on the road to warn him of danger. और वो बता रहा है इंट्रूडर को कि उसने, यानी कि इसने खुद ने, जेराड ने एक सैनिक को, एक यानी कि भाड़े के आदमी को वहाँ पर रखा हुआ है सड़क पर, मतलब खड़ा करके रखा हुआ है वार्न करने के लिए, ताकि उसे जब भी लगे कि पुलिस जो है रेड करने वाली है तो वो इसको कॉल कर देगा और उसे बता देगा कि खतरे के बारे में, कि अभी ये खतरा आने वाला है। और वो उसको बताता है कि तुम भी यहाँ से देखो,
खिड़की में से वो कह रहा है कि यहाँ से देखने की कोशिश करो कि देखो मैंने एक आदमी को खड़ा कर रखा है वहाँ। Gerard fooled the intruder to believe him by saying that if the intruder felt that Gerard was lying, he could kill him. अब Gerard जो है वो intruder को फिर से मूर्ख बनाता है, अपनी बातों में उसको उकसा लेता है कि अगर intruder को ऐसा लग रहा है, वो अगर ऐसा महसूस कर रहा है कि Gerard झूठ बोल रहा है, कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वो मार सकता है मुझे, है ना। Gerard कहता है कि वो उसे मार सकता है। As the phone rang, Gerard said that it was time to leave. और जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है तो Gerard जो है वो कहता है कि अब समय हो चुका है मेरे भी यहाँ से निकलने का। When the intruder did not believe Gerard, he asked him to peep out through the door of the garage and see the police for himself. और जब वो intruder Gerard की बातों पर विश्वास नहीं करता तो वो उसको कह देता है कि एक काम करो, तुम इस दरवाजे में से, यानी कि जो गैराज का दरवाज़ा है, यहाँ से झांक कर देखो। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो तुम यहाँ से झांक कर देखो कि बाहर जो है पुलिस आ रही है। एंड सी द पुलिस फॉर हिमसेल्फ, मतलब वो पुलिस जो है वो उसी की तलाश करने के लिए आ रही है, बाहर झांक कर तो देखो तुम। इन फैक्ट द डोर वॉज दैट ऑफ अ कबर्ड, और वास्तव में वो डोर क्या था, कोई दरवाजा नहीं था गैराज का, वो एक अलमारी का गेट था, कबर्ड का गेट था। As the intruder bent forward, Gerard pushed him inside the cupboard and locked it. जैसे ही intruder आगे की तरफ झुकता है देखने के लिए पुलिस को कि वहाँ सच्ची में पुलिस है या नहीं है, और Gerard क्या करता है, उसको धक्का मार देता है अंदर की तरफ कबर्ड में, अलमारी में, और उसको लॉक कर देता है, बंद कर देता है। Then he called the sergeant as he would hand over the intruder to the police. और फिर वो सर्जेंट को बुलाता है, मतलब पुलिस को बुलाता है, पुलिस के आदमी को बुलाता है, और ताकि वो उसको, इंट्रूडर को, घुसपैठिए को जो है पुलिस को थमा सके। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, और हमें भी क्या करना है, अभी जैसे हमारा कोरोना जो है हमारा दुश्मन बना हुआ है, सबसे बड़ा इंट्रूडर है जो हमारे इंडिया में घुस गया है, राजस्थान में घुस गया, तो हमें कोरोना को इसी तरह से फूल बनाना है, मूर्ख बनाना है, हमें घरों के अंदर ही रहना है और कोरोना को बाहर से ही भगा देना है। ओके, थैंक यू।